नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। हमारी आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सूबे के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार ने अपना वादा आखिरकार पूरा कर लिया। भत्ता पाने के लिए युवाओं का सालों का इंतजार अब खत्म हो गया है, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार का ऐलान, हमारा हाथ युवाओं के साथ, शुरू हुई बेरोजगारी भत्ता योजना, सालों बाद युवाओं की आस पूरी, युवाओं को मिलेगा 2500 रुपए महीना, युवाओं को मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के बाद अब रकम जारी होने की तिथि का भी ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में हर महीने 2500 रुपए दे रही है। भत्ता देने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रही है। सरकार ने कहा है कि जो युवा अप्रैल में किसी भी वक्त योजना के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें भत्ता राशि 1 अप्रैल से देय होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों विधानसभा में साल 2023-24 का जब बजट पेश किया तो उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का भी ऐलान हुआ। 31 मार्च को ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा हाथ युवाओं के साथ है। छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को राज्य सरकार की जिस घोषणा का पिछले करीब 4.5 साल से इंतजार था, वह समय आ गया। अप्रैल महीने की 1 तारीख से बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा। अप्रैल महीने में किसी भी दिन आवेदन करने के बाद भी ये भत्ता 1 अप्रैल से ही मिलेगा। पंजीकरण में कोई परेशानी ना आए, इसलिए ये फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, 2018 के चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ते का ऐलान किया था। उस वक्त ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना था और युवाओं को भी बड़ी बेसब्री से भत्ते का इंतजार था। आखिरकार 4.5 साल बीतने के बाद युवाओं का ये इंतजार खत्म हो गया है। तो फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयंस मिलेगा, तो ये हम लोग को बहुत अच्छी बात है, हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। 2500 पर मंथ कोई बुरी बात नहीं है, बट हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हम लोग इससे ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू बहुत अच्छी बात है जो हम लोग को ये मिला है। बट एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हम लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट में लोगों का अलाउंसेस देने का ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन हम लोगों के पास अगर जब स्किल्स है तो फिर हम लोग सिर्फ अलाउंसेस के भरोसे क्यों रहे? हम लोगों को जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? वो सारी फैसिलिटीज़ अगर हमको प्रोवाइड की जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। के थ्रू जो अलाउंस मिल रहा है वो तो बहुत अच्छा बात है, जब 2500 मिल रहा है पर मंथ, पर जब हमारे पास स्किल है, हम इतना पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, तो उससे गवर्नमेंट अगर हमको जॉब प्रोवाइड करे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम 2500 से क्या ही कर लेंगे। अच्छी बात है, पर अगर ज़्यादा अगर जॉब मिल जाए हम आगे और बहुत ग्रो कर सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जब छत्तीसगढ़ में शासन संभाला उस समय प्रदेश में 18% बेरोजगारी दर थी। सबसे पहले हमने काम किया बेरोजगारी दर घटाने में। आज देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। हमने वादा किया था चुनाव में कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, आज वह पूरा हो रहा है। आज आप देखिए, जिसे पूरी दुनिया मूर्ख दिवस के रूप में मनाती है, आज उस दिन को मिथ्या साबित करते हुए भूपेश बघेल ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए आज के दिन से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया था और आज के दिन से उन्हें आवेदन भी वो कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता का भी उल्लेख किया था और आज सरकार ने अपने फैसले पर अमल करते हुए अपने वादे को पूरा कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने सालों के बाद
सरकार को युवाओं के बारे में सोचने का समय मिला है, जबकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत पहले ही भत्ते को लेकर कई बातें कही। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी भत्ता का जो घोषणा किया है और आज से उसकी शुभ तिथि प्रारंभ हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है छत्तीसगढ़िया सरकार को कि उन्होंने देर से आए पर दुरुस्त ये कहेंगे। परंतु इसमें भी एक बड़ा विडम्बना ये है कि इसके जो नियम है वो बेहद ही कठोर है, तो सरकार से यही मांग है कि यदि इस नियम में कोई भी प्रकार का कोई अगर छूट प्रदान कर सके सरकार अवश्य करे। और सबसे बड़ी जो मार्किंग पॉइंट है वो ये है कि 2 साल पूर्व का जो पंजीयन मांगा गया है, यानी कि आप 2021 की बात कर रहे हो जनवरी में, उस समय भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति थी। सबको पता है रोजगार पंजीयन ऑनलाइन तो आप करते हैं, पर फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना वो रजिस्ट्रेशन जिंदा नहीं रहता, 10-15 दिन की उसकी निश्चित अवधि। तो इसमें बहुत सारे युवा जो हैं पंजीयन कराने से वंचित रह गए हैं, तो सरकार इस नियम को जल्द से जल्द शिथिल करे। लेकिन इस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता में 4.5 साल का समय ले लिया है, मगर जिस हिसाब से इस भत्ते को देने का नियम बनाया गया है, ऐसा लगता है कि सरकार लोगों को ये भत्ता देने के मूड में है नहीं। युवा बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकरण के लिए लाइन में लगे हैं, तो कुछ युवा बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन फॉर्म भरवाने च्वाइस सेंटर का चक्कर काट रहे हैं। से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश सरकार बनने के पहले मैनोफेस्टो में इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, परंतु इनको 4.5 साल बाद याद आया बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, उसके बाद इन्होंने इतनी सारी नियम कानून को लेके साथ में आए हैं कि बेरोजगारी भत्ता देने के मूड में ही नहीं है। जैसे देखा जा रहा है कि इनका कहना है कि जिसके घर में कार है, जिसकी आय अधिक है, या जिसके घर में पेंशन आ रही है, जिसके माँ बाप रोजगार में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे ही। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व में अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने भी बेरोजगारी भत्ता दिया था, पर इसी ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं लाए थे। वो हर घर में हर व्यक्ति को जो शिक्षित थे बेरोजगार थे उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। यहाँ पे भूपेश सरकार जो है युवाओं को छलने का काम कर रही है, उनको गुमराह करके उनका वोट ले लिए और आज के डेट में उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने से मना कर रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ता का ऐलान तो कर दिया और तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है। बहरहाल देखना यह होगा कि चुनावी साल में लिया ये फैसला कितना फायदेमंद साबित होता है। तो छत्तीसगढ़ में युवाओं का सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की सरकार बेरोजगारी भत्ता यानी कि 2500 रुपए हर एक बेरोजगार छात्र छात्राओं के खाते में डालेगी। लेकिन कुछ युवाओं का कहना है कि अगर इसकी जगह उन्हें सुविधाएं दी जाए, उन्हें नौकरी दी जाए, तो उनके भविष्य में वो ज्यादा तरक्की करेंगे और सिर्फ अपने ही भविष्य के लिए नहीं बल्कि देश की भविष्य में भी वो एक अहम भूमिका निभाएंगे। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।